देहरादून के बाजारों में दीपावली और धनतेरस की रौनक देखने को मिल रही है। देहरादून के पल्टन बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। खरीदारों की भीड़ बढ़ने से दुकानदारों में खुशी है। अधिकांश व्यापारियों का कहना है कि आने वाले समय में व्यापार और बढ़ने की उम्मीद है। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने त्योहार को देखते हुए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि प्रदेश के सभी प्रमुख बाजारों में आगामी त्योहारों के मद्देनजर विशेष जितने भी पूरे राज्य के जितने भी हमारे मेन मार्केट्स है जहाँ पे दिवाली की खरीदारी होती है, खासकर जो है वो रुद्रपुर का पल्टन बाजार है, हल्द्वानी का बड़ा मार्केट है, हरिद्वार का है, इन तमाम जो है मार्केट्स में जो है पूरी तरह से जो है पैदल में ही वो होगा सारा यातायात, जो है सारी खरीदारी जो है पूरा जीरो जोन बना दिया जाएगा। तो इसमें जो है पूरे हमारे जो पुलिस फोर्स है, कुछ शादी में भी होगी, कुछ महिलाओं की भी उसमें ड्यूटी होगी। इसके अलावा जो हमने फायर ब्रिगेड को भी जो है वो अलर्ट कर रखा है ऐसी तमाम जगहों पर जहाँ पे आग की संभावना रहती, फटाकों की दुकान के लिए निर्देश जारी किए कि वो जो एक ग्राउंड में लगाएंगे और ऐसे अवैध जो शॉप्स है उन पर लगातार जो है रेड्स जारी है। वहीं देहरादून के अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने बताया कि विभाग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि आगजनी की किसी भी घटना की सूचना 112, 101 और 0135271642 पर दी जा सकती है। सात स्थानों पर दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए हमने फायर टेंडर लगाए हैं, हमारे द्वारा लगाए गए हैं। उनसे जो है किसी प्रकार की जो आकस्मिक अग्नि दुर्घटना होगी समय रहते हुए इस पर जो है कंट्रोल किया जाएगा और उसी के साथ दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि दीपावली पर्व जो है आतिशबाजी का त्यौहार है, लाइटिंग का त्यौहार है, उसमें अग्निशमन घटनाएं जो हैं स्वाभाविक है होना, तो इसीलिए उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग अपने लोगों को अवकाश पे कोई के लिए भी प्रतिबंध लगा देते हैं।